आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीरो टीवी नेट प्रोग्राम सेकंड इनिंग्स का पहला शुमारा लेकर मैं हूं आपकी खिदमत में मिर्जा शराफत हुसैन। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात जो है उन पर्सनैलिटीज के साथ कराने जा रहे हैं जो एक वक्त हेल्प ऑफ अफेयर्स में रह चुके हैं और अब जिंदगी के इस मरहले में वो क्या कुछ कर रहे हैं, उस हवाले से आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज हमारे इस शुमारे में एक ऐसे गेस्ट है जो कि एक मायानाज ब्रॉडकास्टर रह चुके हैं, सरकर्दा जो है ब्रॉडकास्टिंग में उनका नाम है और शानदार खिलाड़ी भी रह चुके हैं और रेडियो कश्मीर के उस वक्त के स्टेशन डायरेक्टर भी रह चुके हैं। बजाते खुद और कुछ वो तारुफ के मोहताज तो नहीं है लेकिन प्रोग्राम का दस्तूर है, उनकी इंट्रोडक्शन कराते हैं आपसे। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हुमायूं कैसर साहब। हुमायूं कैसर साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इस वक्त जानना चाहेंगे, इस वक्त पोस्ट रिटायरमेंट में देखिए आप मैं, क्या कर रहे हैं आजकल? देखिए रेडियो में मैं आया यूपीएससी क्वालिफाई करके जी 91 में, बस उसके बाद फिर पता ही है, फिर रेडियो में रहा। बिल्कुल, जहां तक आप कहते हैं पोस्ट रिटायरमेंट, देखिए मैं आजकल क्या सरगर्मियां, देखिए मेरी सरगर्मियां बहुत है। मैं बहुत जगह पढ़ाता हूँ, गेस्ट लेक्चरर हूँ जी, जैसे स्टेट इंस्टीट्यूट, ये स्टेट एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हूँ, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज यूनिवर्सिटी में हूँ, बहुत कॉलेजेस में हूँ, और मैं बहुत से वेबिनार करता हूँ पर्सनलिटी डेवलपमेंट काउंसलिंग वगैरह के। फिर मैं यूट्यूब पे एक हर वीक एक स्पोर्ट्स मैगजीन लोड करता हूँ अपना खेल के मैदान से। उसके अलावा स्पोर्ट्स इवेंट कोई खास हो जाए तो इन बिटवीन 5-6 और हफ्ते में जितने हों, जितने टेस्ट मैचेस हों, बाकी हों लाइव, जैसे वर्ल्ड कप क्रिकेट था, T20 लगा था। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके अलावा मेरे एक पेज है फेसबुक पे, हुमायूं कैसर पब्लिक फिगर, उस पे मेरे कई एक वीडियो आते हैं, लोगों के माशरे के बारे में बात करता हूँ, किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाता, उनके सामने वो चीजें रखता हूँ जिनके बारे में उन्होंने नहीं सोचा है। तो मैं बहुत बिजी रहता हूँ, घर में तो बिजी हूँ, ऐसे भी बिजी रहता हूँ। कैसा शेड्यूल बिजी रहता था आपका जब आप बहसत स्टेशन डायरेक्टर काम करते थे? अब ट्रांजिशन हो गया है, पैराडाइम शिफ्ट आ गया है, अब आप एक आजाद जिंदगी भी बसर करते हैं। रेडियो में तो डेफिनेटली बिजी रहता था क्योंकि पहले प्रोग्राम इंतजामिया जिम्मेदारियां भी आप पर आई, उसके बाद इंतजामिया की जिम्मेदारियों के बावजूद मैं हफ्ते में 4 प्रोग्राम करता था जी रेडियो पे। अच्छा, जो डायरेक्टर्स वगैरह हेड नहीं करते हैं, 4 से 5 प्रोग्राम में करता था हफ्ते में। एक तो वो किया मैंने, बहुत प्रोग्राम किए, और सुबह जाना 9 बजे, शाम को 6 बजे आना वगैरह वगैरह, वो एक टाइट शेड्यूल होता है। उस दौरान भी मेरा ये काउंसलिंग का सिलसिला और गेस्ट लेक्चर्स का मीडिया पे, बाकी पर्सनलिटी डेवलपमेंट, सेल्फ कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह पे, सेल्फ असेसमेंट पे पिछले 25 साल से जारी था। लेकिन मैं 1 साल से प्रिपेयर था रिटायर होने को और मुझे बड़ी खुशी थी मैं रिटायर होकर, मुझे कोई इसमें डर नहीं था, परेशानी नहीं थी, मैं कहता था छुटकारा मिलेगा इन चीजों से। और खास बात यह है कि अब मैं पहले से ज्यादा बिजी हूँ। एक तो मैं ये अपने काम करता हूँ और मुझे दुनिया भर के लोग बुलाते हैं, आज थिएटर फेस्टिवल, आज ड्रामा फेस्टिवल, आज ये, आज फिल्म फेस्टिवल, कहीं इस फंक्शन में चीज हो गया तो उसमें तकरीर करिए, इसमें आइए, इनसे मिलिए, तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैं आउट ऑफ वर्क हूँ किस सेंस में। तो मैं सारे टाइम कुछ ना कुछ करता हूँ, बिजी रहता हूँ घर के कामों के बगैर, और मैं घर के काम पहले भी करता हूँ, बिल्कुल ये ऐसा मामला नहीं है। तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं लोगों से दूर हो गया। और सबसे बड़ी बात जो इसमें मैं हैरान हूं, जिससे लोगों को मैं भूला नहीं, बिल्कुल कुर्सी से लोग उतरते हैं उनको भूल जाते हैं। आज दूर दराज कुपवारा से, अनंतनाग से, कहां कहां से लोग मुझे बुलाते हैं, सर एक बार आइए, एक बार मिलते, एक बात हमसे करिए, हमारे बच्चों से करिए, स्टूडेंट से करिए। तो मुझे लगता है कि इसलिए मैं काफी खुशकिस्मत हूं। कैसे साहब, पिच पर कितनी बार आते हैं अभी खेलने के लिए? खेलने के लिए तो बहुत पहले छोड़ दिया खेलना, बहुत पहले, मैं बहुत छोटा था, यहाँ नहीं खेलते। 90 में हालात जब बदले उसके बाद खेल नहीं पाया, फिर उसके बाद ऐसे हालात हुए क्रिकेट इस तरह रहा नहीं, उससे पहले रांची खेली, बाकी खेला, सब कुछ खेला। मगर ये है कि मैं आज ग्राउंड में ही हूँ, समझिए मैं दुनिया भर का क्रिकेट एनालाइज करता हूँ, दुनिया भर के क्रिकेट पे कमेंट करता हूँ, और एक दुनिया मुझे फॉलो करती है मेरे कमेंट्स को, और मुझे और पसंद करती है जो मैं बोलता हूँ गेम के बारे में। और ये एक ही गेम नहीं है क्रिकेट की, मैं पिछले 45 साल से 45 साल से दुनिया भर की गेम्स फॉलो करता हूँ, मुझे पसंद है। इसीलिए अभी मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ लोगों के साथ अपनी यूट्यूब चैनल पे, तो वहां मैं उनको 82 वर्ल्ड कप की किस्से सुनाता हूँ, तब मैं बहुत छोटा था। मैं 78 और 74 की बात करता हूँ उनके साथ वर्ल्ड कप की, बहुत छोटा था कैसे जी, मुझे 1969 की अच्छा सीरीज याद है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की 95 पटौड़ी ने बनाए थे बॉम्बे में, और इंडिया ने मैच जीता था प्रसन्ना और बेदी की बॉलिंग से दिल्ली में, और मैं कुल 9 साल या 9.5 साल का था। घर में क्या करते हैं, पेंटिंग वगैरह? हमने देखा कि आपने कुछ पेट एनिमल्स भी रखे हैं।
देखिए मैंने पेंटिंग बहुत की पिछले 2 साल, क्योंकि मैं अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट हूँ स्टेट का, मुझे स्टेट एकेडमी अवार्ड मिला पेंटिंग के लिए। मैंने बहुत पेंटिंग की पिछले 2 साल, इस साल 22 में मैंने कम की, और मेरी बहुत सी पेंटिंग थी जो मैंने स्केच बनाए थे पेंट नहीं किए थे, वो पिछले 2-3 साल में मैंने बहुत पेंट किए और लोगों ने देखे भी वो। और मैं जब 11वीं में था, PUC में था, तब से एकेडमी जो है मेरी पेंटिंग की एग्जीबिशन करती थी, जब मैं 11वीं में था 77-78 से, तो वहां भी बहुत बार हुई और यहाँ पेंटिंग की। और ये जो रेडियो में जब मैं था, मेरे से पेंटिंग बिल्कुल छूट गई। अच्छा, मैं नहीं कर सका वहां, देखिए ना रेडियो का काम ऐसा है, बिजी शेड्यूल भी रहा हुआ। एक तो रेडियो में मसला ये है कि आप वहां रहते हैं तो वो ठीक है, घर आके भी उस पर काम करना पड़ता है, आपका कल प्रोग्राम है, परसों इंटरव्यू है, कहीं किसी दिन कुछ करना है, तैयारी करनी है, दुनिया भर की खबरों की खबर रखनी है, हर चीज पे निगाह रखनी है। तो पेंटिंग में आपको एक आमद होती है, यानी आपको फील होना चाहिए आई वांट टू पेंट। पेंटिंग जबरदस्ती नहीं होती, जैसे शायरी जबरदस्ती, ये तो क्रिएटिव चीज है ना, इसीलिए माइंड आपका। मैंने पेंटिंग बहुत की इस पीरियड में, बहुत पेंटिंग की। कोविड एरा आ गया तो काफी सारी सरगर्मियां मुतासर, घर बैठ गए लोग, तो कैसे आपकी लाइफ? मैंने कोविड में कोई मेरे ख्याल में 35 वेबिनार की। अच्छा, यहाँ के मैक्सिमम कॉलेजेस के लिए, हाउ स्टूडेंट शुड टैकल इट, हाउ टीचर्स शुड टैकल इट, पुणे में यूनिवर्सिटी के लिए, मलेशिया की यूनिवर्सिटीज के लिए, यहाँ के कॉलेजेस के लिए, दिल्ली के कॉलेजेस के लिए, कई वेबिनार किए मैंने डिफरेंट तरीकों के, और बड़ा बिजी रहा मैं उन वेबिनार्स में। और मुझे लगा कि ये एक बहुत अच्छी चीज है जो आ गई थी, हालात तो खराब थे एजुकेशन में और आपके सीखने सिखाने में, कि ऑनलाइन आप काम करें। और मैं आज भी जब टीचर्स को जाता हूँ, जहाँ एड्रेस करता हूँ, बात करता हूँ प्रोफेसर से, उनको कहता हूँ कि ये मत छोड़ें, हफ्ते में एक दिन तो भी अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ले लें, ये सिलसिला बड़ा फायदेमंद है, वो खुल के आपसे बात कर सकते हैं वहाँ क्लास। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे साहब, कभी ये एक्टिविटीज, सोशल मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या ब्रॉडकास्टिंग की एक्टिविटी, जितनी भी आपकी हॉबीज है, कभी आपकी सोशल लाइफ पर हावी तो नहीं हुए हैं? देखिए, जब मैं नौकरी में था बहुत हावी हुई, मैंने बहुत से फंक्शन अटेंड नहीं कर सकते, बहुत जगह आप जा नहीं सकते, बहुत लोगों से मिल नहीं सकते, वक्त नहीं आपके पास, ये तब तो काफी हावी हो जाती थी, इंसान को मुश्किल होती थी। लेकिन अब ये है कि उसमें आपकी फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, मेरी वाइफ का बहुत सीरियस सपोर्ट रहा, उसने उस पीरियड में अच्छी बात बहुत चीजें खुद हैंडल की, हालांकि वो खुद एसोसिएट प्रोफेसर है, बिजी रहती है, लेकिन उसके बावजूद उनने किया बहुत ज्यादा उसमें। और आज जो है कि कोशिश मैंने की, जो घर की ऑब्लिगेशन है मेरी, जितनी मुझसे हो सके पूरी करूं। और मैं, हमारे घर का ऐसा सिस्टम है, चाहे मेरे बच्चे हों, मैं हूं, बीवी हो, घर का हर आदमी पूरा काम करता है, चाहे जूते साफ करने से बर्तन धोने तक हो, कुछ हो, सब करते हैं। ज्यादा तो डेफिनेटली वाइफ मेरी करती है, मगर हम सब सब काम करते हैं। कुछ लगता है आपको जो एज, जब आप एज स्टेशन डायरेक्टर थे, जो करना था वो नहीं हो पाया, अब कहीं ना कहीं आप कोशिश करते हैं कि वो अचीव करने की? मेरे ख्याल में जो ब्रॉडकास्टिंग में कर सकता था उसे ज्यादा किया। मैं बताऊंगा क्यों। मैंने बहुत बोल्ड फैसले लिए पूरे लाइफ में अपने ब्रॉडकास्टिंग में, जो चीजें अटेम्प्ट नहीं हुई थी वो अटेम्प्ट की मैंने, और मुझे कोई नहीं है उसमें कि दुख नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने बहुत साथ दिया मेरा, मेरे स्पीकर्स ने मेरा बहुत साथ दिया। और इस पीरियड में यह है, बहुत सी घर की चीजें रह जाती हैं, बहुत सी जिम्मेवारियां हैं वो पूरी करनी होती हैं, और अभी है कुछ जिम्मेवारियां पूरी करूंगा। अब जो बच्चे हैं आगे बढ़ चुके हैं, तो नौकरी कर रही है, 2 दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो वो भी हो जाएंगे खुदा की मदद से। हम दुआ करेंगे कि आप इन सेकंड इनिंग्स में मजीद अचीव करें। शुक्रिया आपका बहुत, आप हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं सेकंड इनिंग्स का ये शुमारा, अगले शुमारे में होगी आपसे फिर मुलाकात एक और मेहमान के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जीरो TV नेट, हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।